उल्हासनगर महानगर पालिका की यदि बात करें तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कई बार जो है फाइलों के हेरफेर या फिर फाइलों को जो है प्रशासन के कार्यालय के बाहर ले जाने के बिना अनुमति के कई मामले सामने आए, उस पर जो है काफ़ी वाद विवाद भी हुआ है, काफ़ी राजनीति भी हुई है। यदि आज की बात करें तो ऐसी एक और घटना जो है सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है कुछ फाइलें नगर पालिका के बाहर ले जाए जा रहे थे, जिसके बाद जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सुरक्षा विभाग है उल्हासनगर महानगर पालिका का एंट्रेंस, और वहाँ पर जब वो पहुँचे कॉन्ट्रैक्टर तो वहाँ से जो है फाइल उन्होंने जब जाँच की तो पता चला कि प्रशासनिक फाइल है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की फाइल है, तो उसे वहीं पर रोक दिया गया, जिसके बाद जो है अब ये जाँच का विषय बन चुका है। क्योंकि इसके पहले भी यदि बात करें तो इस तरीके से जो है बिना आदेश या फिर बिना किसी सूचना के जो है फाइल इसी तरीके से प्रशासन के कार्यालय से बाहर चले जाती है, और फिर उसके बाद जो है वाद विवाद होता है, और फिर शहर में एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो है एक मंजर नज़र आता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि आज जिस प्रकार से जो फाइलें ले जाई जा रही थी किस तरीके की फाइल है, और जब हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात जब की कि आप ये फाइल ले जा रहे थे तो आप ये फाइल कहाँ ले जा रहे थे, फाइल किस प्रकार की थी, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो अधिकारी है जिससे संबंधित ये फाइल है उन्होंने जो है इस फाइल को मंगाया था, किसी साइड पर वो जा रहे थे, वहाँ पर वो मौजूद थे तो वहाँ पर उन्हें जो है इस फाइल को मंगाया गया था। लेकिन कहीं सोचने वाली बात है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी है तो अपने कार्यालय में बैठ के ही वो जो है जाँच कर सकते हैं, इस फाइल को बाहर ले जाने का या फिर बाहर मंगा के उसी की जाँच करने या फिर उस पर हस्ताक्षर करने का क्या जो है इधर पे मामला नज़र आता। तो देखना यह है कि जिस तरीके से अब ये जो फाइलें पकड़ी गई है, ये फाइलें किसकी है, किस डिपार्टमेंट की है, क्यों बाहर ले जाई जा रही थी, ये एक जांच का विषय अब देख। नमस्कार बोला। नमस्कार सर, कुणाल कपूर बोला। हाँ सर, ये अभी कुछ पता चला कि नगर पालिका से कुछ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स की फाइल बाहर जा रही थी और फिर अपने सुरक्षा कर्मियों ने जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर को रोका है, सर क्या विषय है ये? पता नहीं क्या है, लेकिन फाइल जो है ना ऊपर से जाते समय हमारे बंदे ने जब लिया, उनके हाथ से लिया, चेक किया, देखा तो फाइल थी। हाँ। उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए है जो डिपार्टमेंट का है, जितना फाइल वो उन्होंने उधर लिया है किसी से, जिससे लिया उसका नाम भी उनके पास है, नाम अच्छा। दर्ज करो और वो फाइल वापस अपन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को देने के लिए मैंने कहा है। अच्छा सर, मेरा इससे बात हुआ, वही कॉन्ट्रैक्टर जो रवि है उसे हाँ। मैंने पूछा कि क्या है क्या जो आप लेके आ रहे फाइल, तो उसने बोला कि वो जो पीडब्ल्यूडी की फाइल जो साहब है उन्होंने बाहर मंगाई थी, और जो है इसके बारे में जो है नेट के साहब को भी बोला था कि वो बाहर लेके जाना है कि क्या समथिंग ऐसा उसने कहा है। नहीं कोई नहीं, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अच्छा। उसके बारे में मेरा बंदों ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, पकड़ा हमने इधर देखा तो फाइल बाहर जा रही थी, मैंने बोला जैसा है वो नाम लिखो कितना है okay. और वो लिखो और अपना उधर डिपार्टमेंट में देके आओ अच्छा, अगर सर, कोई नहीं लेते हाँ. अगर कोई नहीं लेते डिपार्टमेंट वाले तो उसको अपने डिपार्टमेंट में सील करके रखो, मैंने okay. बोल दिया है सर। लेकिन इस तरीके से जो है कोई भी प्रशासनिक दस्तावेज जो है बाहर नहीं ले जा सकते, तो जो है नियम के खिलाफ ही है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो यदि या फिर अधिकारी भी हो तो उन्हें जो है कहीं ना कहीं इसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो ये फाइल इस तरीके से ले जाना, तो आपको क्या लगता है सुरक्षा कर्मी होते हुए बरोबर इसके लिए वो हमारे जो जवानों ने किया वो बिल्कुल बरोबर किया है हाँ, और हाँ. उस हिसाब से उन्होंने अपना नॉन एंट्री भी कर देंगे वो, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को जैसे कि वैसा लेके देंगे, नहीं हमारे पास रखेंगे, जरूरी नहीं है हमारे पास रखना, उनके पास दे के आएंगे, लेकिन उन्होंने अगर किसी ने नहीं लिया तो हमारे पास वो सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और फिर मैं जो हमारे वरिष्ठ है उनके हिसाब से आगे की कार्रवाई हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर।